Assalamu alaikum and welcome back viewers. This is Mohammad Rashid Khan speaking again from University Space. Umeed karta hu aap khair khairiyat se honge. Aaj ki hamari video ka title hai Study in Brazil for Pakistani students. To aapse guzarish hai kindly video ko complete dekhen aur video start karne se pehle aapse ye bhi request hai kindly hamare channel ko subscribe kar le taaki aise videos mazid aap tak pahunchti rahe. Students, Brazil ko dekha jaye to Brazil duniya ka panchwa sabse bada mulk hai और साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क है. इसकी आबादी 214 मिलियन है और इसमें लैंग्वेज पुर्तगीज़ बोली जाती है. अच्छा व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, पुर्तगीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो अगर आप पुर्तगीज़ सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. स्टूडेंट्स, इसके अलावा ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन रियाल यूज़ होता है और ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग करेंसी है. स्टूडेंट्स, एजुकेशन और लिटरेसी रेट को देखें तो इस मामले में भी ब्राज़ील का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है. लिटरेसी यहाँ पर 94% है और यहाँ पर अगर रिसर्च की बात की जाए तो दुनिया की टॉप इंडस्ट्रियल रिसर्चेज ब्राज़ील में होती हैं. स्पेसिफिकली फिज़िक्स के हवाले से अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर्स जो हैं पब्लिश किए गए हैं, और साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन सब एस्पेक्ट्स में ब्राज़ील काफ़ी हद तक अच्छा है. स्टूडेंट्स, ब्राज़ील में एजुकेशन के हवाले से देखें तो काफ़ी हद तक मुनासिब है. $2000 से $7000 तक जो फ़ीस है वो रेंज करती है पर ईयर के हिसाब से. ये आपके कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एजुकेशन स्टैंडर्ड की तो प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील रिसर्च के मामले में काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. स्टूडेंट्स, बैचलर्स यहाँ पे 4 से 6 साल का होता है और मास्टर्स यहाँ 2 साल का होता है जैसे पाकिस्तान में है, और आइल्स की रिक्वायरमेंट है. बैचलर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम 6 बैंड्स चाहिए और मास्टर्स के लिए यहाँ पे 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है. स्कॉलरशिप देखें तो स्टूडेंट्स, ब्राज़ील में स्कॉलरशिप अवेलेबल है. 3 से 4 किस्म की स्कॉलरशिप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं. ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.universityspace.com लाजमी विज़िट करें, क्योंकि उसके अंदर हमने आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स में ये सब इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है. तो उससे ये कि आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे. स्कॉलरशिप यहाँ पर स्टूडेंट मिनिमम 60% पर आपको मिल जाती है. इसके अंदर आपको 800 से 1200 स्टाइपेंड भी मिलता है. अगर एक स्टूडेंट बहुत एकेडमिकली आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए मज़ीद बेनिफिट्स भी हैं. उसमें अकोमोडेशन भी शामिल है, आपकी ट्रैवलिंग भी शामिल है, इनफैक्ट एयर टिकट भी आपकी उसमें शामिल हो जाती है. तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्राज़ील में स्टडी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक आसानी है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. उस 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर यूनिवर्सिटी के पास 200 से 250 कोर्सेज होते हैं, तो आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की कितनी ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्योंकि जहाँ इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्पेस भी वहाँ पर बन जाती है. स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी, आपके पास एक स्किल अगर अच्छा है, अगर आपने लैंग्वेज सीखी है पुर्तगीज़, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है. आप इजीली कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ ये है कि स्टूडेंट को वहाँ पर पुर्तगीज़ का कोर्स भी पढ़ाया जाता है ताकि वो बेसिक इंट्रैक्शन कम्युनिकेशन में अपनी आसानी कर सकें. और अगर एवरेज देखा जाए तो 3 to 4-5 मंथ्स तक एक स्टूडेंट फ्लुएंट पुर्तगीज़ बोल पाता है और उसको लर्न कर सकता है. स्टूडेंट्स, वर्किंग यहाँ पर अगर पार्ट टाइम देखें एज अ स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और अपनी बेसिक अखराजात, लिविंग कॉस्ट काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं. अगर आपको हॉलीडेज़ मिलती हैं, आप फ्री होते हैं, सेमेस्टर ब्रेक आ जाता है, समर्स आ जाता है, तो उसमें आप 20 से 40 आवर्स पर वीक तक काम कर सकते हैं. और इससे स्टूडेंट का ये बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट अपना मंथली कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं. एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप यहाँ पर 10 to 20 ब्राज़ीलियन रियाज पर आवर कमा सकते हैं, और अगर आप एक स्किलफुल वर्कर हैं तो आपके लिए ये वेज बढ़ जाएगी. अगर आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लेते हैं
तो आपके लिए काफ़ी हद तक वेज में पॉसिबिलिटी है कि आपको बेटर वेजेस मिल सकें। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर बात की जाए लैंग्वेज बैरियर की, तो जो मेन सिटीज़ हैं, टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पर तो बहुत इजीली इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। मगर अगर आप कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएँ, कुछ स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स में चले जाएँ, तो वहाँ पर पुर्तगीज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाता है उसको रिकमेंड यही करते हैं हम कि आप काइंडली लैंग्वेज को सीखें, ताकि आप बेसिक इंटरेक्शन, बेसिक कम्युनिकेशन वहाँ पर ईजीली कर सकें। एजुकेशन स्टैंडर्ड के हवाले से मैंने प्रीवियसली भी बताया कि काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ रेंज करती हैं 301 से लेकर 1000 वर्ल्ड रैंकिंग तक। तो आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ में सर्च करके एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल है। आपने अपनी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स अटैच करनी होती है, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है, स्कॉलरशिप फॉर्म है, ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ईज़िली मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटी की पोर्टल्स पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक आसानी है कि स्टूडेंट ईज़िली इन सब चीज़ों को सर्च कर लेता है, अपना कोर्स सेलेक्ट करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है और फिर एक्सेप्टेंस का वेट करता है। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो वो रिक्वायर होता है, आपकी रिकमेंडेशन लेटर होंगे। स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए आपने अपनी एक्सेप्टेंस लेटर अटैच करनी होती है, उसके साथ साथ आप अपनी फ़ीस जो आप पे करते हैं उसकी रिसीप्ट अटैच करते हैं, आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, फैमिली सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल सोर्सेज, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके अंदर शामिल है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ये सब चीज़ें भी अगर आप अटैच करते हैं तो वो भी आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट्स अपने लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स भी अटैच कर लेते हैं जिसमें इंग्लिश और पुर्तगीज़ हैं, तो आपकी फ़ाइल प्रेफरेबल होती है। और वीज़ा की बात की जाए तो यहाँ पे वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छा है, जो कि 80% से 90% तक चांसेस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि उनका वीज़ा एक्सेप्ट होता है। स्टूडेंट्स ये सब बात तो हमने की स्टडी के हवाले से, अब थोड़ी सी बात करते हैं पोस्ट स्टडी के हवाले से कि पोस्ट स्टडी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ब्राज़ील में हमें ये एक अच्छा पॉइंट नज़र आता है कि यहाँ पर PR इजीली मिल जाती है। यहाँ पर 4 साल पूरे करने पर आप जो है PR के लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप स्टूडेंट होते हैं तो आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस होती है, उसकी बेस पर आप इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं, आ जा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और लीगली स्टे कर सकते हैं। जब आपके यहाँ पर 4 साल कम्प्लीट हो जाते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई करते हैं और PR के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए सिटीज़नशिप की, ब्राज़ील की सिटीज़नशिप की, तो जो इंसान ब्राज़ील की सिटीज़नशिप ओन करता है उसके लिए बहुत सारे गेटवेज खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाती हैं। ब्राज़ील का पासपोर्ट वन ऑफ़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ की सिटीज़नशिप वाले को 164 मुल्कों में विदाउट वीज़ा जो है आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिट है। और ब्राज़ील जो है उस लिस्ट में आता है जहाँ पर इजीली PR दे देते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक मेजर फैक्टर है यहाँ पर स्टडी करने का। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ अगर आपकी वहाँ मैरिज होती है तो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर PR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बेबी बॉर्न होता है तो वो उसको डायरेक्टली ब्राज़ील की गवर्नमेंट ब्राज़ीलियन नेशनल बना देती। तो आप देख सकते हैं कितनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे जैसे उनकी स्टडी कंप्लीट होती जाती है ऐसे ऐसे उनको TR भी मिल रही है, PR भी मिल रही है, तो इससे उनके लिए करियर में, सेटलमेंट में बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुँचती रहें। हमारी वेबसाइट पर भी काइंडली विज़िट करते रहें बिकॉज उसमें हम काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज़, स्कॉलरशिप्स, ये सब चीज़ों की डिटेल हम ऐड करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे भी फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।